بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم پیارے بچوں, होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह. आज हम अल्लाह के फजल व करम से एडवांस अकाउंटिंग के नंबर ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर से आगाज करेंगे. दो दिन मुझे मेरे प्यारे बच्चों को लोरियां देने का प्रोग्राम बनाकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ. थ्योरी सुनाई जाएगी. कोशिश कीजिएगा कि नींद आने लगे तो पानी का एक गिलास करीब में ही रखिए. मुंह तो डूब नहीं सकेगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा पानी चुल्लू में लेके मुंह उसमें थोड़ा सा तर कर लें, वरना सो जाएंगे आप. खुदा ना खास्ता मैं इतना भी बुरा नहीं बोलूँगा कि नींद आ जाए, लेकिन फिर भी इंसानों में ही शुमार होता है मेरे बच्चों का. तो अगर कहीं ऐसा लगे कि नींद के झटके आ रहे हैं तो सोना नहीं है, अगर सो गए तो खो गए, और जो जागते रहेंगे वो भागते रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग है, थ्योरी है. ओके जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मिनल खान, आपने हमसे पूछा कि सर. अच्छा जी, तैमूर भाई कहते हैं वॉइस नहीं आ रही, तो प्यारे बच्चों रेज हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल करो ताकि मैं देख सकूं किस किस को आवाज आ रही है. वेरी गुड, इतने सारे लोगों को आ रही है. तैमूर, तुमने सस्ता वाला इंटरनेट लगवाया हुआ है, इसे थोड़ा सा बढ़वा लो एमबी. अगर मेरा इंटरनेट खराब होता तो मैं कहता चलो मैं बढ़वा लूंगा. अच्छा जी, फिर मिनल का सवाल था, मैं सवाल रह गया, पहले मैं मिनल की बात कंप्लीट कर लूँ. मिनल ने कहा सर आपने संडे की क्लास की वीडियो सेंड नहीं की है, तो मेरा बेटा, मैंने संडे की क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे की वीडियो सेंड कर दी है. हाँ, उसमें से मेरा ख्याल है एक दिन की मुझसे मिस हो गई थी, फिर किसी बच्ची ने मुझे बताया था तो मैंने वो भी सेंड कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी वीडियो सेंड हो चुकी हैं. बट अगर फिर भी ना मिली हो तो आप इत्मीनान से देखकर मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम कुछ मुनासिब कर लेंगे. अरहम भाई कहते हैं सर ऐसा लग रहा है मैंने एफएम ज्वाइन किया है और मैं यहाँ पे होस्टिंग कर रहा हूँ. सारे धमाधम मैसेज करे आ रहे हैं, ये नहीं कि मुझे पढ़ाने दें. सर कंप्यूटेशन नहीं होती कॉस्ट अकाउंटिंग में, बेटे इसमें कंप्यूटेशन ही होती है. इतनी कंप्यूटेशन होती है कि ये साइंस वालों को अच्छा लगने लगता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट नहीं जान छोड़ेगा मेरी जान. समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ अरम भाई, आपके लिए कहा है ये मैंने, डेबिट क्रेडिट जान नहीं छोड़ेगा. तो डेबिट क्रेडिट पे कमांड होना जरूरी है, फिर बाकी अल्लाह के हुक्म से कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि ये तो जीरो से पढ़ रहे हो, उसमें तो कोई साइंस वाला या कॉमर्स वाला नहीं है, सब जीरो मीटर हैं. फिर हमारे अहसान भाई ने बोला अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए सर, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं और मालिक का बहुत एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेहतर है तबीयत. मरियम परवेज कहती है सर आवाज़ स्लो आ रही है काफ़ी. तो क्या मेरी आवाज़ स्लो आ रही है मरियम परवेज? हैंड फ्री यूज़ करें मेरा बच्चा, उसमें आवाज़ बढ़ा लीजिए थोड़ी. यकीन करें मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, मेरे माइक में अगर आप देखें मेरे माइक के लेवल को तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा है. और हम तो कहते हैं सर परफेक्ट आ रही है. बहरहाल मैं आपकी भरपूर फरमाइश पे, ये देखें मैं अपनी ऑडियो सेटिंग्स खोल लेता हूँ और मैं उसको बढ़ा देता हूँ. चलें ये देखें मरियम परवेज, अब बताएं आवाज़ कैसी आ रही है, ये लें इस, अब तो फिर कानों में दर्द हो जाएगा लोगों के. मरियम परवेज अब आपके रिप्लाई का मुंतजिर हूँ मैं, बताइए आप कैसी आवाज़ आ रही है, आप सही है? ओके ओके, वालेकुम अस्सलाम काशान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. कर दी. अच्छा पीछे पंखा चलने की, अब जाहिर सी बात है आप लोगों ने आवाज़ बढ़वा दी है तो मैं पंखा नहीं, वो असल में रूम कूलर चल रहा है अभी, तो हालात ऐसे हैं.
अच्छा चलो मैं कुछ मुनासिब करता हूँ, फिर वही वाली आवाज कर लूँ, थोड़ा सा तेज बोल लूंगा मैं, इंशाल्लाह मुनासिब कर लेंगे उसको, ऑटोमेटिक ही कर देता हूँ, बाकी मैं जोर से बोलता हूँ, वरना वाकई तुम सही बोल रहे हो, फैन की आवाज आएगी, तेज बोलूंगा ना इंशाल्लाह आप लोगों को आवाज आती रहेगी, आप परेशान नहीं हो, ये मेरी आवाज के लेवल के लिहाज से देखें एडजस्ट करता है। अब मैं हल्के बोलूंगा, मैं हल्के बात करूंगा, ये खुद ब खुद बढ़ जाएगा, मैं तेज बात करूंगा, ये कम हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग आखिर क्या है, ये सबसे पहला सवाल आता है स्टूडेंट के दिमाग में। तो भाई वर्ड है कॉस्ट। जनाबे अली चैट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए मुझे कॉस्ट की मीनिंग लिख के भेजें। अनल डार, आप मुझे काफी दिनों के बाद नजर आई हैं, अगर मैं गलत ना हूं। अनल मेरा बेटा, आप मुझे काफी दिनों के बाद नजर आए, सब खैरियत है? बहुत अरसे के बाद नजर आई है, मेरा ख्याल है 1-1.5-2 महीना शायद। अच्छा जी, सब लोग अपने अपने जवाब लिख के भेज रहे हैं। ओके मेरा बेटा, ओके, किसी चीज में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई अनल, आपने पूछा भी नहीं मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे। वरदा कहती है असल कीमत, रमशा कहती है कीमत, अच्छा चलो भाई, चलो ठीक है अनल, गुड। अच्छा भाई, तो जो लोग कहते हैं अलैना का जवाब मुझे अच्छा लगा, बिस्मा का भी मुनासिब है, किसी भी चीज की वर्द, अलैना का जवाब सबसे अच्छा है, इसलिए कि उसने वो बात कही जो मैं कहना चाह रहा हूं, लागत। अब आप बोलेंगे सर लागत प्राइस, प्राइस कीमत एक ही बात तो है? नहीं बेटा, प्राइस तो दो तरह की होती हैं, अब तुम ही बताओगे कौन कौन सी, लिख के भेजने की हो रही है। प्राइस तो दो तरह की होती है ना प्यारे बच्चों, एक सो गए कॉस्ट प्राइस और दूसरी सेलिंग प्राइस। तो भाई सिर्फ प्राइस का वर्ड मुनासिब नहीं है, प्राइस का मतलब तो कीमत होती है, और कीमत सेलिंग भी हो सकती है और कॉस्ट भी हो सकती है। तो जब मैं सिर्फ वर्ड यूज करूं कॉस्ट, अगर प्राइस का मतलब कीमत होता तो कितनी बेवकूफी वाली बात है कॉस्ट प्राइस लिख के बैठे हुए हम। अबे जब प्राइस का मतलब कॉस्ट ही होता है तो फिर कॉस्ट प्राइस क्यों लिखते हैं, सिर्फ प्राइस ही लिख दें, इसका मतलब है कॉस्ट का मतलब प्राइस नहीं होता, कॉस्ट का मतलब कीमत नहीं होता। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स दैट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग किसी चीज को बनाने की लागत। अगर हम बीकॉम पार्ट वन की अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बीकॉम पार्ट वन की अकाउंटिंग में मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता था, उन गुड्स की कॉस्ट जो हम बेच चुके हैं, कौन सी कॉस्ट, जितने में हमने उन्हें खरीदा था, वो कहलाती थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट का वर्ड। तो कौन सी कॉस्ट की बात करेंगे हम, क्या आपको पता है बिजनेस के टाइप्स कितनी है, क्या आपको पता है बिजनेस के टाइप्स कितनी है? सर तीन है ना, वेरी गुड, नंबर वन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ओके मैंने सुन लिया आपकी बात, बाकी लोग भी अपना हिस्सा डालें। मरियम परवेज, चलो ये पहली है तो फिर दूसरी और तीसरी भी लिख दो, बाकी लोग भी जवाब लिखने की कोशिश करें। आप यूं समझें कि जैसे आप मैसेजिंग कर रहे हैं, फिर हाथ तेज चलेगा इंशाल्लाह। Amount that has to be paid or spent to buy or obtain something. अच्छा ये तो तूने पक्का गूगल से निकाला है बेटे। शहरियार अली कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल की लागत सर। तैमूर खटक ने भी निकाल लिया कुछ, हाँ सर्विस। मरियम परवेज थैंक यू सो मच, आपने मुझे मुकम्मल जवाब भेजा, बाकी सारे सस्ता नशा कर रहे हैं। मिनल ने भी सही जवाब भेजा, आपका भी शुक्रिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विस बिजनेस। बीकॉम पार्ट वन, बल्कि बीकॉम पार्ट वन भी क्या, बीकॉम पार्ट टू में पिछले हफ्ते तक
हाँ काशान, शायद आपका नेट खराब होगा क्योंकि सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, तो आप परेशान नहीं हो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, तो आप उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, थोड़ा बढ़ा बढ़ा के तेजी से देख लीजिएगा, क्या ख्याल है ना? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्लास छोड़ के बैठ जाएं, अगर नेट खराब हो तो दिल बर्दाश्ता ना हो, दुआ करें, हो सकता है अल्लाह ताला कोई बेहतरी फरमा दे, ठीक है? और मुझे लगता है अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बहुत जल्द मामला हल होंगे, कुछ ना कुछ अल्लाह पाक असबाब बनाएंगे। चलें, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हम बीकॉम पार्ट 1 तक तो सिर्फ ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस पढ़ते रहे, लेकिन जब बीकॉम पार्ट 2 में आए तो मैंने अभी तक फैब से लेके आपको अभी तक सिर्फ ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस पढ़ाया, क्योंकि मैं कौन सी अकाउंटिंग पढ़ा रहा था? एडवांस अकाउंटिंग। बट टुडे वी स्टार्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग, सो नाउ वी आर फोकसिंग विच टाइप ऑफ बिजनेस? नाउ वी आर फोकसिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग क्या? ऐसा कारोबार जो सामान को खरीद के उसी हालत में नहीं बेचेगा। सर सामान खरीदेगा क्यों? अरे अगर जिंगर बर्गर बनाना है तो क्या जिंगर बर्गर डायरेक्ट खुद ब खुद बन जाएगा? अरे भैया बन खरीदने पड़ेंगे, चिकन खरीदनी पड़ेगी, उसे बेक करना पड़ेगा, बहुत सारे काम होंगे। इसका मतलब ये हुआ, जिसने खाना नहीं खाया ना, मैं उसकी तो मैं ऐसी भूख बढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें आप। तो मतलब ये है मेरे कहने का प्यारे बच्चों कि भाई सामान तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी खरीदता है। अगर आप एक किताब बनाएंगे, किताब बनाकर बेचेंगे, आपने किताबें बनाने की फैक्ट्री लगाई, तो यार आपको कागज खरीदना पड़ेगा, गत्ता खरीदना पड़ेगा। और आप बोले, और अगर आप बोले सर अगर मैं जो है ना वो कागज भी खुद बनाऊं, तो भाई फिर तो बहुत बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा कि कागज भी बनाओगे, फिर किताबें भी बनाओगे, उनको प्रिंट भी करोगे, तो बहुत बड़े पैमाने पे काम करोगे। इसका मतलब है, हो सकता है, इनकार नहीं है इस बात से। अब जैसे एक और मिसाल देता हूं मैं आपको, ये वाली मिसाल ज्यादा टिका के समझ आएगी। बोनेंजा, गुल अहमद, कैम्ब्रिज, जे डॉट, ये सब लोग अपने आउटलेट तो बना के बैठे हैं ना। कैम्ब्रिज का आउटलेट भी नजर आता है, बोनेंजा का भी नजर आता है, गुल अहमद आइडियाज भी नजर आता है, और जे डॉट का भी आउटलेट नजर आ रहा है। क्या ये सब लोग ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं? ये सब लोग खुद बनाते हैं ना, इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, इनके यहाँ कपड़ा भी अपना खुद, इनका कपड़ा भी इनके यहाँ बनता है, ये कपड़ा भी कहीं से खरीदते नहीं है। मजे की बात बता रहा हूँ आपको मैं, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कपड़ा खरीदते हैं, बस उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा कर और उसको स्टिच करके बेच देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप में से कोई बोले तैमूर भाई, कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस आल्सो प्रोवाइड, सर समझ में नहीं आया तैमूर भाई, अनम्यूट करके बोल दें, अगर सवाल आपसे लिखा नहीं जा रहा अनम्यूट करके बोले, क्या बात है। मैं कह रहा हूं कि कैम्ब्रिज वाले कपड़ा अपना खुद बनाते हैं, उसको खुद प्रिंट करते हैं। आप अगर, मेरा ख्याल है खवातीन तो ज्यादा तजर्बेकार होंगी, बोनेंजा का जो डिजाइन होता है ना, बोनेंजा के कपड़े का जो डिजाइन और बोनेंजा के कपड़े की जो क्वालिटी होती है, आपको किसी दूसरी कंपनी का वैसा कपड़ा मिलेगा ही नहीं, सेम वैसा प्रिंट भी मिलना मुश्किल है। वैसे तो हम पाकिस्तानी छापने में माहिर हैं, कोई किसी के अब्बा भी हमें पकड़ नहीं सकते, हम तो ऐसी प्रिंटिंग कर दें। लेकिन अगर आप बोनेंजा की बात करें, आप आइडियाज की बात करें, तो भाई इन लोगों ने अपने अपने प्लांट लगाए हुए हैं जहां ये कपड़ा प्रिंट भी खुद करते हैं। लेवाइस की बात करें तो वहां उनकी अपनी तमाम, वो खुद जीन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं लेवाइस वाले। अच्छा, तो मेरा ख्याल है मैं बात को आगे बढ़ाऊं, वरना मैं बहुत बोलना है आज मुझे, और मैं इतना बोलूंगा तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोग सो जाएं। काम की बात यह है कि कोई बच्चा बोले सर बोनेंजा वाले कपड़ा बनाते हैं, सर बोनेंजा वाले धागा भी बनाते हैं, सर बोनेंजा वाले बटन भी बनाते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, बोनेंजा वाले जो हैं वो कपड़ा बनाने के लिए मशहूर हैं, कपड़ा बनाकर अनस्टिच और स्टिच दोनों हालत में बेचते हैं, कपड़ा बनाकर स्टिच और अनस्टिच दोनों हालत में बेचते हैं, वो बटन नहीं बनाते। अगर वो बना रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो बटन बनाने के लिए मशहूर नहीं है।
और अगर वो बटन बनाते भी हैं तो वो अपने ही लिए बनाते हैं, और हो सकता है वो बटन बने बनाए कहीं से लेते हो और उस पर अपना नाम प्रिंट करवा लेते हो, ये भी तो मुमकिन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बस मेरा ख्याल है बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन अब मैं समराइज कर करके बोलूंगा तो शायद हम आगे बढ़ जाएं, वरना ये 2 क्लासें भी कम पड़ जाएंगी मेरे बच्चों। तो बात यह है कि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहाँ एक एक लाइन थ्योरी की पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बेफिक्र रहें आप, ना मेरा कैसा कोई इरादा है, ना आप ये सोचिएगा कि फॉर्मेट आपके पास है आप इसे पढ़ें। आज पढ़िएगा और फिर जहाँ जो बात आपको लगे कि समझ नहीं आ रही पढ़ के, कल उसे हाईलाइट कीजिएगा, मार्क कीजिएगा और मुझे बोलिएगा सर फॉर्मेट के फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन में ये जो अंग्रेजी लिखी है इसका मतलब समझाएं। तो मैं अब समझाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, अब कॉस्ट से वर्ड बना कॉस्टिंग। कॉस्ट से वर्ड क्या बना? कॉस्ट का मतलब तो लागत, कॉस्ट का मतलब तो लागत। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं पूरा कर दूं भाई। जब कॉस्ट का मतलब लागत तो कॉस्ट अकाउंटिंग, तो किसकी अकाउंटिंग? किस चीज की अकाउंटिंग? एग्जैक्टली, बेहतरीन। आसान उर्दू में अगर मैं बोलूं बिल्कुल तो क्या कहूं? करीब करीब है। मैं आपका जवाब भी, तैमूर का जवाब भी ठीक है, मिनल का जवाब भी ठीक है। बाकी लोग क्या टाइपिंग सीख रहे हैं अभी? मैं नाम लूंगा तो फिर टाइपिंग करेंगे आप लोग? कोशिश करें, टाइपिंग करें। हाँ, अलैना भी बिल्कुल सही कह रही है, बड़ा घुमा के जवाब दिया तुमने मुझे। हाँ भाई, बाकी लोग मैं नाम लूँ, मेरा ख्याल है। कौन से बिजनेस की? मेरा बेटा सामिया कौन से बिजनेस की? हफ्सा सही कह रही है, मिनल सही कह रही है, अनल आपका जवाब नहीं आया अभी तक, एमन आपका जवाब नहीं आया, अली सुफियान का जवाब नहीं आया, अमरीना नफीस का जवाब नहीं आया। जी सामिया, अब करीब करीब है आपका जवाब। जी अरीशा का जवाब आया था शायद, लेकिन फिर वो मैंने उसको बोला कि आप कंप्लीट जवाब दें। अच्छा, समी खान कुछ नहीं बोल रहे, सन्नाटे में है। वरदा आज बोल नहीं रही, चुप बैठी हुई है। शुक्रिया, आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ कहा। अच्छा ठीक है जनाब, अगर मैं किसी को मिस कर गया तो माजरत चाहता हूँ। रिमशा खामोश बैठी है। हफ्सा कहाँ है आज? रिफत कुछ नहीं बोल रही। निम्रा राशिद इसी क्लास में है, फर्स्ट क्लास है बेटा आज आपकी निम्रा। अच्छा हफ्सा, हो सकता है बेटा इतने सारे कमेंट्स आ रहे हो तो मैं तो आपने अपनी आईडी चेंज की है क्या? इसी नाम से होती थी आप क्लास में, मैं भूल रहा हूँ, शायद हो सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है इंसान की कभी कभी। अच्छा चलें, बहरहाल सबने जवाब दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मरियम आपकी तबीयत ठीक है बेटा? आप बेहतर हैं, आप बहुत एबसेंट थी पिछले दिनों। चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जवाब दिया, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग लागत की अकाउंटिंग, सामान को बनाने की अकाउंटिंग। तो सामान को बनाने की क्या अकाउंटिंग होगी सर? एक प्रोडक्ट को बनाने में जितने खर्चे आते हैं उनको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, उन खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, प्रोडक्ट को बनाते हुए किस किस तरह के खर्चे होंगे, किस किस तरह की इन्वेंट्री होगी, प्रोडक्ट किन किन मराइल से बन के गुजरेगी और उन पे किस किस तरह के खर्चे होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, मैंने कह भी दी, शायद आपने नोट ना की हो, कि उन खर्चों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। ओके निम्रा, ठीक है। तो निम्रा आपका ईमेल एड्रेस अपडेट हुआ है मेरे पास, आपको वीडियोस आ रही थी प्रॉपर? ठीक है चले, अच्छी बात है। ओके ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ, बस फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी सुनोगे मेरी खूबसूरत आवाज में। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड टू इंटरप्रेट द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो भाई कॉस्ट, अब कोई अकाउंटिंग नई नहीं पढ़ने जा रहे, लेकिन अब जो अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं वो कॉस्ट के पस मंजर में, कॉस्ट के तनाजुर में। हमारे दिमाग में अब क्या होगा? एक फैक्ट्री। अब हमारे दिमाग में ऑफिस नहीं है। अच्छा सर, तो ऑफिस की बात ही नहीं होगी? अरे होगी, लेकिन मेन हमारा सारा मेन फोकस किस पर होगा? फैक्ट्री पर। सर तो फिर ऑफिस की बात क्यों कर रहे हैं आप?
अबे क्योंकि फैक्ट्री वाले बना के सामान खुद ही रख के बैठे रहेंगे क्या? वो सामान बनाकर ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे कि सामान बन चुका है। अरे मार्केटिंग वालों को बोलो, मार्केटिंग वालों को बाद में बोलूंगा, पहले आप लोग बताएं। आवाज आ रही है? शाबाश, रेज हैंड करें। आवाज आ रही है सबको टिका के? चलें, शुक्रिया। रिमशा, आज मुझे लग रहा है आप लोगों के नेट डिस्टर्ब है काफी बच्चों के। काशान, तुम जिंदा हो बेटा? क्लास में हो? चले गए? दिल बर्दाश्ता हो के? आसान, ये अरे नहीं अगर सर, इन हो रहा हूँ, आउट हो रहा हूँ, बार बार आ रहा जा रहा हूँ। हुए अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा अभी पैकेज का सोच रहा हूँ लगा लूँ। हसन, ये कहाँ है भाई? अजहर यार, आप लोग अपनी अटेंडेंस का ख्याल नहीं रखते। नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है आज, किसी को ख्याल ही नहीं है, मेरी समझ से बाहर है। रिकॉर्डेड लेक्चर में भी एक बात है, समझ आ जाता है अल्लाह के हुक्म से। सलाम वालेकुम असलाम, जीते रहिए। जरा अजहर भाई को कहिएगा प्यार मोहब्बत से कि जरा क्लासेस में आ जाया करें तो अच्छा लगेगा, बेहतर रहेगा। अच्छा जी, बस मैं अपनी जी बात आगे सर। बढ़ाता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का फन है, कॉस्ट को क्लासिफाई करने का फन है, कॉस्ट को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर उन्हें एक जगह लाने का फन है, और कॉस्ट को इस तरह पेश करने का फन है कि वो समझ में आ जाए कि किस तरह से आखिर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकली है। मैं आपको एक बात बड़े अदब से बता दूं, बहुत तमीज से मेरी बात सुने। ये देखें, मैं एक्सेल की शीट पे आता हूँ और जरा तवज्जो दीजिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। यार मैंने काफी चीजें खोली हुई हैं, ये मेरा सिस्टम भी स्लो हो रहा होगा। अच्छा तो अच्छा, ये भी खुला हुआ है, ये गलती हो गई ना, अब कुछ बेहतर ही हो जाएगा। अच्छा तो प्यारे बच्चों देखो, अब मैं एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट बनाने पे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हम खरीद के लाए, सही है, जिनकी मदद से हमने प्रोडक्ट बनाई, उसे क्या कहेंगे? उन चीज़ों को क्या कहेंगे तुम्हारे ख्याल में? अपनी अकल से नाम लो, जिन चीजों की मदद से प्रोडक्ट बनती है उन्हें क्या कहते हैं तुम्हारे ख्याल में? जल्दी बोलो, शाबाश। जिन चीजों की मदद से प्रोडक्ट बनती है उन्हें क्या कहते हैं? अपनी अकल से जवाब दो, जो गलत सही छोड़ दो, बस लिख के भेजो जो जवाब दिमाग में है। जिन चीजों की मदद से प्रोडक्ट बनाते हो, अच्छा अब जहां डिफरेंट जवाब आएगा ना वहां मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। देखो मेरा बेटा, गुड्स का मतलब तो होता ही वो सामान है जो तिजारत के लिए खरीदा जाए, तो हम जो चीज खरीद के ला रहे हैं आज उसे गुड्स नहीं बोलना। मर्चेंडाइज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मर्चेंडाइज की डेफिनेशन ही ये है कि वो सामान जो खरीद के लाया जाए बेचने के लिए। परचेजेस भी नहीं कह सकते, परचेजेस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं मर्चेंडाइज को खरीदने के लिए। अब बाकी सबके जवाब को मैं एक्नॉलेज कर लूं, क्योंकि मेजोरिटी ने सर सर, मटेरियल कह सकते हैं। हेलो बहुत शुक्रिया, सब ने मुझे यही लिख के भेजा है, सर, सब ने मुझे यही लिख के भेजा है। अब रॉ मटेरियल ब्रेकफास्ट 100 रुपए का खर्च हुआ, सही है, और भी मुख्तलिफ तरह के खर्चे होंगे। और बताओ, और तुम्हारे ख्याल में क्या खर्चा होता होगा किसी प्रोडक्ट को बनाते हुए? रॉ मटेरियल ला के रखा, रॉ मटेरियल खरीद के लाए, फिर क्या किया? क्या करते हैं रॉ मटेरियल के साथ? वेरी गुड तैमूर भाई, लग रहा है काफी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सपोजर है तैमूर भाई को। भाई केमिकल वगैरह सारी चीजें रॉ मटेरियल में आ गई ना लड़के, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अलैना ने भी सही जवाब दिया। वरदा रॉ मटेरियल जब खरीद के लाएंगे उसके साथ ही उसकी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को भी ऐड कर दूंगा, तो कहूंगा 100 रुपए का मटेरियल 100 का नहीं पड़ा, लो चलो 120 रुपए का पड़ गया, बस अब खुश हो? हाँ हाँ चलो, मेरा ख्याल है अब मैं जवाब दूं, है ना? जवाब यह है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये रॉ मटेरियल लाने के बाद क्या मंत्र वंतर पढ़ोगे? कोई खुदा ना खास्ता मंत्र पढ़ के फूकोगे तो ये खुद ब खुद प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? अपना चिकन खरीद के लाओगे, बन खरीद के लाओगे, खुद ब खुद वो, खुद ब खुद मैं कह रहा हूँ, खुद ब खुद वो जिंगर बर्गर बन के निकलना शुरू हो जाएंगे। अरे उस चीज को फिनिश गुड बनाने के लिए, उसे तैयार सामान बनाने के लिए
उस पे आपको मजदूरों से काम करवाना पड़ेगा और मजदूरों को देनी पड़ेगी तनख्वाह। इसका मतलब एक और चीज इन्वॉल्व हो गई, लेबर। अच्छा देखें, मैं जानबूझ के ये काम कर रहा हूँ, वेजिस कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वेजिस भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझने की है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल मिसाल देता हूँ, मैं बहुत डिटेल में चला गया हूँ अभी, हालांकि मुझे जाना नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है, बात को आगे बढ़ा लेते हैं। जी जी बिल्कुल, यही जवाब दिया होगा आपने, मैं इनकार नहीं कर रहा किसी के जवाब से, जाहिर सी बात है मैं सबके जवाब देख रहा होता ना, तो मैं मेजोरिटी के जवाब देख रहा होता हूँ कि मेजोरिटी किस तरफ जा रही है। अच्छा अब आप लोगों ने जो डिफरेंट जवाब दिए, डेफिनेटली मैंने पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि मैंने इग्नोर किए हैं, मैं सबके जवाब देख रहा होता हूँ। अब काम की बात यह है, मैं आपसे आसान लफ्जों में बात करता हूँ। आपके घर जब मेहमान आते हैं और आप उनके लिए, यानी आप जब दावत करते हैं, तो आप दावत में जितने भी खर्चे होते हैं, जनरली आप उन सारे खर्चों को आपस में क्या कर लेते हैं? अच्छा, ऐड कर लेते हैं, है ना, सारे खर्चों को बिना सोचे समझे मर्ज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अच्छा चले, अब आपकी पर्सनल बात करता हूँ, आपकी जाती बात करता हूँ, हाँ जाती बात करता हूँ आपसे मैं। आप लोग मेजॉरिटी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें वो बायफरकेट नहीं करते, जो थोड़े मम्मी डैडी होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मम्मी डैडी होते हैं वो लोग अपने खर्चों को बायफरकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अलग अलग, बस खर्चे होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं, और आखिर में कहते हैं यार मेरी मंथली पॉकेट मनी 10,000 रुपये पूरी खर्च हो जाती है। उनसे पूछो कहाँ खर्च होती है तो वो कहते हैं यार ये नहीं पता, बस हो जाती है। थोड़े से मम्मी डैडी की बात कर रहा हूँ। इसके बरक्स अगर आप थोड़े से लोअर मिडिल क्लास एक शख्स की बात कर लें, मेरी बात कर लें, किसी ऐसे शख्स की बात कर लें जो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास है, तो वो अपने एक एक खर्चे के बारे में जानता है। क्यों जानता है पता है आपको? जवाब है आपका इसके पास। एक लोअर मिडिल क्लास इंसान अपने एक एक, अगर चाहे वो एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर आपकी पॉकेट मनी 2,000 रुपए है बिलफर्ज, फर्ज कर लेता हूं मैं, तो आपको पता है आपके 2,000 रुपए कहाँ कहाँ खर्च होते हैं? आप ये नहीं बोलेंगे बस खर्च हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ होगा, बस ऐसे हो जाते हैं, कार्ड डलवा लिया और कभी कुछ खरीद लिया, कभी कुछ खा लिया, कोचिंग की फीस दे दी। समझाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन यस करीब करीब है आपका जवाब, लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताए ना मुझे। यस मिनल ने भी सही जवाब दिया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, एक लोअर मिडिल क्लास इंसान को अपने एक एक खर्चों की अमाउंट के बारे में पता होता है, क्योंकि अगर वो अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेगा, उसके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो उसके पास पैसे नहीं है भाई, उसको घर के राशन के पैसे अपने खर्चों में लगाने पड़ गए तो उसके लिए महीना गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तो एक लोअर मिडिल क्लास इंसान अपने एक एक खर्चे को फोकस कर रहा होता है और हकीकी मायनों में उसे कंट्रोल कर रहा होता है। तो मेरे लिहाज से एक मम्मी डैडी बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में नहीं जानता जितना कि एक लोअर मिडिल क्लास जानता है, क्योंकि वो एक एक खर्चे को बायफरकेट करके उसके ऊपर थॉरली स्टडी कर रहा होता है और वो उसे कंट्रोल भी कर रहा होता है किसी ना किसी हद तक। वो देखता है कि यार इस महीने अगर मुझे बिलफर्स शूज की जरूरत है, मुझे सैंडल्स खरीदनी है, और अगर मुझे लगता है कि 10 दिन में और किसी तरह गुजार लूं और गुजर जाएंगे, तो वो कहता, और मेरा बजट भी नहीं है, तो वो कहता है चलो अगले महीने में ले लूंगा ये चीज, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास जो अमाउंट है, जो पॉकेट मनी है, उसमें गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आप उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं जहां मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये, एक आम इंसान जैसे दावत, मैंने कहा ना कि फिर दोबारा वही वाली बात करूंगा, एक मम्मी डैडी के घर में, या शादी घर में जो है ना, शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, कोई ईद मिलन पार्टी होती है, तो वो कहते हैं अरे यार ईद मिलन पार्टी पे 50,000 रुपये खर्च हो गए। उनसे पूछो 50,000 कहाँ खर्च हुए, तो उन्हें पता नहीं है, हुए जरूर हैं, मैं ये नहीं बोल रहा वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि बिरयानी कितने की आई थी, और बकरे का सालन कितने का आया था, और शीरमाल कितने के थे, ताफ्तान कितने के थे, दूध दुलारी राज दुलारी कितने की थी, ये सब उन्हें पता ही नहीं है, कुर्सियां कितने की आई थी, चांदनियां कितने की बिछी थी, ये सब खर्चे उन्हें पता ही नहीं है। इसके बरक्स आप अगर बात करें एक ऐसे शख्स से जो अपने खर्चों को पहले से बजटिंग करता है, पहले सोचता है कि खर्चा क्या होगा, फिर उसे फोकस करता है कि इतने ही रुपए में होगा या नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि कॉस्ट अकाउंटिंग तो भाई लोअर मिडिल क्लास लोग ज्यादा अच्छे जानते हैं। मेरा ख्याल ज्यादा पकाऊंगा नहीं आपको, बहुत मैंने कहा था पहले ही कि मैं बहुत बोलूंगा आज, आखिरी 6 मिनट रह गए। याद रहे कि आप इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करेंगे मुझे, लेकिन 4 मिनट के बाद, तकरीबन 3 से 5 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे। आप ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, तो जैसे ही मेरी यहाँ से मीटिंग कन्वर्ट होगी, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होगी वीडियो में, 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है मैक्सिमम, तो मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा मीटिंग। आप चाहें तो खत्म होने के बाद दोबारा ज्वाइन कर लें फौरन, इंतजार नहीं करें 3 4 5 मिनट का। हाँ, एक आध गिलास पानी वानी मैंने बोला था ना पीना है या मुंह धोना है तो आप कर लीजिएगा मुनासिब। अभी मेरे पास 5 मिनट है, मैं मुस्तकिल बात कर लेता हूँ थोड़ी सी और। तो बस समरी ये है, एक आम इंसान भी सारा खर्चा बता सकता है, एक मम्मी डैडी भी सारा खर्चा बता सकता है, फर्क क्या है दोनों में? एक लोअर मिडिल क्लास भी अपना खर्चा बता सकता है और एक हाई क्लास से, एक अलीट क्लास से ताल्लुक रखने वाला शख्स भी अपना खर्चा बता सकता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि जो अलीट क्लास से ताल्लुक रखता है, जो बड़े घराने से ताल्लुक रखता है, उसे अपने खर्चों की हर चीज की डिटेल नहीं पता, उसे बायफर्केशन नहीं पता। खर्चा सही बता रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि कहाँ कितना खर्च हुआ है। इसके बरक्स वो एक लोअर मिडिल क्लास शख्स हर खर्चे के बारे में डिटेल में जानता है कि यहाँ इस चीज पर इतना, इस चीज पर इतना, इस चीज पर इतना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि अगर मेरे घर कोई फंक्शन हो रहा है, अगर मेरी बहन की शादी हो रही है, तो मैं उसमें एक एक चीज अलग अलग बजट बना के रखूंगा, कहूंगा भाई 2 लाख रुपए का फर्नीचर आएगा तो मैं कोशिश करूंगा 2 लाख के अंदर फर्नीचर आए। मुझे पता है कि बारात में खाना 1.5 लाख रुपए का होगा तो मैं 1.5 लाख में रखूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि बस खर्चा हुए जा रहा है, बोला अच्छा भाई 5 लाख का खाना कर लो, 5 लाख का खाना हो रहा है, 10 लाख रुपए का फर्नीचर होगा, 10 लाख का फर्नीचर जा रहा है, नहीं। यानी मुझे हर खर्चे के बारे में पता है कि कौन सा खर्चा कितना करना है और फिर मैं उसको उसके लिहाज से कंट्रोल करता हूँ। बस यूं समझ लो आसान लफ्जों में कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी यही है कि हम हर खर्चे को बायफर्केट करके प्रॉपर अंदाज में कंप्यूटेशन करके निकालेंगे कि कॉस्ट कितनी है। सारे खर्चों को बेवकूफों की तरह उठा के प्लस कर देना कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, खर्चों को क्लासीफाई करना। देखो ना, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट बनाने पे रॉ मटेरियल लग रहा है, ये भी खर्चा है। प्रोडक्ट बनाने पे लेबर लग रही है, ये भी खर्चा है। तो यार सबको एक साथ मिला के लिख दो, बस डायरेक्ट बोल दो कि कॉस्ट है बिल फर्स्ट, डायरेक्ट बोल दो कॉस्ट है बिल फर्स्ट 500 रुपए। है सर 500 कैसे? भाई बिल फर्स्ट लेबर है 180 रुपए, तो सर 500 तो नहीं बना अभी भी, कितना बना? 300 बना, और 200 रुपए के हैं फैक्ट्री ओवर हेड्स। सर ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो आप मुझे बता रहे थे, बिजली का बिल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मशीनरी का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फैक्ट्री का किराया। सर क्या मतलब? ये भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होंगे? अरे वाह जबरदस्त, ये कॉस्ट में शामिल नहीं होंगे तो क्या किराया मालिक अपनी जेब से देगा? भाई जिस फैक्ट्री में आप सामान बना रहे हैं उसका किराया भी तो उन प्रोडक्ट के ऊपर फैलेगा ना जो आप बना रहे हैं, वरना इसका मतलब है आप तो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट सही नहीं निकाल रहे। जब आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हुए उस प्रोडक्ट को बनाने में जितने खर्चे हुए वो सब उसके ऊपर फैलाएंगे, बशर्ते कि वो खर्चे मुनासिब हों और उससे रिलेट करते हों। बशर्ते कि वो खर्चे मुनासिब हों और उससे क्या करते हों? रिलेट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं, आगे फ्यूचर में भी कहूंगा इंशाल्लाह। यानी अगर आपको वो प्रोडक्ट बनाते हुए 2 लाख रुपए का मटेरियल आपकी गलती की वजह से खराब हो गया, बारिश से खराब हो गया, तो अब अगर आप वो 2 लाख रुपए भी उस सामान के ऊपर फैला दें तो ये गलत होगा। अब आप गलत कॉस्टिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपके हर यूनिट की कॉस्ट ज्यादा नजर आएगी, जबकि मार्केट में वो लोग उतने रुपए में नहीं बना रहे होंगे जितने में आप बना के दिखा रहे होंगे। सर तो हमें महंगा तो पड़ा ना? अरे भाई वो तो आपकी बेवकूफी की वजह से, बारिश की वजह से आपका सामान जाया हुआ, उसको आप अलग से लॉस के तौर पर दिखाएं, उसको आप प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा ना बनाएं। ये बहुत लंबी बहस है, आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तैमूर भाई ने कहा सर डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है। जी हाँ सर बिल्कुल होती है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, खर्चा है हमारा। फैक्ट्री की मशीनरी इस्तेमाल होगी प्रोडक्ट को बनाते हुए तो खर्चा नहीं होगा, फैक्ट्री का रेंट अदा करेंगे तो खर्चा नहीं होगा। ना फैक्ट्री के रेंट को लेबर कहा जा सकता है, ना फैक्ट्री के रेंट को रॉ मटेरियल कहा जा सकता है। तो फैक्ट्री में होने वाले तमाम खर्चे अदर देन रॉ मटेरियल एंड लेबर आर कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स।
और याद करो मैं थोड़े दिनों पहले आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा था, वो जो मैं एक कंपनी का दिखा रहा था अमरेली स्टील्स का, याद करो मैंने उसमें फैक्ट्री ओवरहेड कवर्ड पढ़ाया था आप लोगों को, आप लोग भूल जाते हो। बहरहाल वक्त मेरे पास कम है, 1 मिनट रह गया है, मैं वापस आता हूँ अपनी शीट पर। आज बोलने का काम बहुत है मेरा, गला अल्लाह खैर फरमाए। तो अब कॉस्ट से वर्ड निकला कॉस्टिंग, जल्दी से ये समझ लो फिर मीटिंग खत्म हो रही है। कॉस्ट से वर्ड क्या निकला? कॉस्टिंग। और कॉस्टिंग का मतलब है आसान उर्दू में कॉस्ट मालूम करने की टेक्निक्स और तरीके। कॉस्टिंग का मतलब क्या है? कॉस्ट मालूम करने की टेक्निक्स और उसका प्रोसीजर। टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। एसर्टेनिंग माने मालूम करना। तो जब हम कॉस्ट को मालूम करते हैं, उसकी कॉस्ट मालूम कर, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम करना मुख्तलिफ तरीकों के जरिए, उसे कहा जाता है कॉस्टिंग। तो हम कॉस्टिंग का वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। आई होप आप यहाँ तक क्लियर हैं। अब मैं अगले लेक्चर में इससे तेज चलूंगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बात की है। अब कोशिश करूंगा थोड़ा टू दी पॉइंट रहते हुए बात करूँ। तो ये मीटिंग खत्म हो रही है, उसके बाद 3 से 5 मिनट का ब्रेक है और फिर हम दोबारा क्लास को ज्वाइन करेंगे, इसी लिंक को ज्वाइन करेंगे।